दोस्तों, अगर आपका भी YouTube पे चैनल है और अगर आपके YouTube चैनल का CTR 10 से ऊपर 15 या 20 पहुंच गया है तो आपका Google AdSense डिसेबल होगा कि नहीं होगा, और अगर आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाली हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि रितु, जब मेरा CTR 10 से 15% ऊपर पहुंच जाता है तो क्या Google AdSense डिसेबल हो जाता है, क्या होता है, प्लीज पे वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। दोस्तों, अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे आप Instagram पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे Instagram ID ritu1090 के नाम से, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि CTR आपका सबसे ज्यादा हाई कब होता है। दोस्तों, हाई कब होता है CTR, जैसे आपके चैनल का आज मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है तो आपके शुरुआत के 10-12 दिन में आपका CTR बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई किस रीजन की वजह से होता है कि आपके वीडियो में पहले तो ऐड आ नहीं रही होती, फिर अचानक से आपकी वीडियो में ऐड आने लगती है। तो जो आपके पुराने व्यूवर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, आपकी वीडियो वॉच करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार अगले बंदे पहले वीडियो में ऐड नहीं आ रही थी, फिर ऐड आने लगती है। तो ऐड के बगल में आप देखते होंगे स्किप का ऑप्शन आता है, तो लोग पूरी ऐड देखना पसंद नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं। अगर एक बंदे ने भी आपका वीडियो में जो ऐड उसको स्किप कर दिया, तो 1% आपका CTR बढ़ जाता है। तो अगर आपका कोई वीडियो वायरल हुआ, उस पर ऐड आ रही है, तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो अगर अपने 10-15 लोगों ने, मान लीजिए कि 50 लोगों को आपका ऐड दिखाई दिया, ठीक, 50 को नहीं दिखाई दिया, 50 को आपका ऐड दिखाई दिया, 50 में अगर 10 लोगों ने भी स्किप ऐड कर दिया, तो आपका 10% CTR पहुंच जाता है ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट ये क्लियर कर दूं कि CTR बढ़ने से गूगल एडसेंस डिसेबल नहीं होता है। हाँ, CTR बढ़ने से थोड़ी दिक्कत होती जरूर है, बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं कि ऋतु मेरा CTR इतना 10 से ऊपर जा रहा है, मैं क्या करूं। तो उसमें क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है, आप अपना CTR हर मिनट पर चेक करते रहिए, हर 5 से 10 मिनट पर चेक करते रहिए कि आपका CTR कितना पहुंच रहा है। अगर आप देख रखा CTR नॉर्मल चल रहा है 5, 6, 3, 4 ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मोनेटाइजेशन ऑन होता है तो उस समय CTR 10-12 जरूर पहुंचता है। अगर आपका CTR ऊपर जा रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपकी जो वीडियो है उसमें जिसपे स्किपल एड है, आपको उनको क्लोज कर देना है। स्किपल एड को क्लोज कर देने से क्या होगा कि लोगों को स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा, तो जब स्किप का ऑप्शन किसी को दिखाई नहीं देगा तो स्किप नहीं करेंगे, तो आपका CTR जो है वो नॉर्मल होता जाएगा। तो आपको ये काम जरूर कर लेना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था ऋतु ब्लॉग वाले का, तो उसमें भी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरा CTR बहुत ऊपर जा रहा था, और मुझे ये जानकारी मिली थी कि जब CTR 8 से 10 पहुंचता है तो गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद मैंने कई बड़े यूट्यूबर से बात करी और जिसको कंफर्म किया कि ऐसा नहीं होता है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने स्किप ऐड जो होता अपने वीडियो पर क्लोज कर दिया था, जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी। तो उसके बाद मेरा अब जो सीधा प्रेजेंट टाइम में बात करूं, तो मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरा CTR जो है वो 3-4, 3-4-2 ऐसे ही बना रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो CTR इसी तरह, गूगल एडसेंस इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये नहीं कि आपका CTR हाई हुआ तो आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। गूगल एडसेंस डिसेबल कब होता है, जब आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी होती है, ठीक। अब इनवैलिड एक्टिविटी होती कब है, जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, उसके बाद अपनी ही वीडियो अपने ही मोबाइल में जाके प्ले कर रहे हो, मतलब जो एड आ रही है अपने खुद देख रहे हो, ठीक, ये इनवैलिड एक्टिविटी में चला जाता है। इसकी वजह से आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो सकता है। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने चैनल पे वीडियो सोचते हैं यार एक ही बार तो प्ले किया है, क्या हुआ गलती से हो गया प्ले। लेकिन गलती से भी कोशिश करिए कि आप अपनी वीडियो पर एड अपने चैनल पर मत देखे। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद ये गलती आपको हरगिज नहीं करनी है। ये करने से आपके चैनल पे आप पे इनवैलिड एक्टिविटी ऐड हो जाती है, और इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपका गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है। CTR से कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे मन में भी पहले यही डाउट था कि CTR हाई होने की वजह से गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है, चैनल टर्मिनेट हो जाता है, अर्निंग नहीं होती, दुनिया भर की बातें मुझे पता था। लेकिन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता चला, जो मैंने, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने जब बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करी, मैंने खुद वीडियोज देखी यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला। तो ये गलती मत करना, मैं स्टार्टिंग में भी कहती आ रही हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको अपनी वीडियो अपने मोबाइल में नहीं वॉच करनी है, और मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद तो हरगिज नहीं करनी है कि आप अपनी ही ऐड अपना देख रहे हो। यूट्यूब वाले कोई पागल तो है नहीं कि आप अपने ही ऐड देख देख के आप अपनी अर्निंग बना रहे हो, ठीक है। तो ये इनवैलिड एक्टिविटी मानी जाती है, जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, गूगल एडसेंस डिसेबल हो सकता है। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही CTR से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था, तो CTR अगर आपका हाई जा रहा है तो आपको स्किप ऐड को क्लोज कर देना है, आपको आपका CTR
ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। स्टार्टिंग के 10-12 दिन या हफ्ते भर ही प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो नॉर्मल हो जाता है। जब कोई भी अपनी वीडियो आप ऐड कर मतलब अपलोड करते हैं तो बस CTR जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।